बिग बॉस 14 के घर में राहुल वैद्य ने जब से एंट्री ली, किसी को नहीं पता था कि राहुल वैद्य को बाहर लोग इतना ज्यादा पसंद करेंगे। राहुल वैद्य के बिग बॉस 14 से शॉकिंग इविक्शन के बाद उनके फैंस काफी नाराज हैं बिग बॉस पर कि किस तरीके से राहुल वैद्य को घर से बाहर कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, राहुल वैद्य के शॉकिंग इविक्शन के बाद से उनके फैंस में खासा नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्योंकि राहुल वैद्य को बिग बॉस की ट्रॉफी का हकदार मान रहे थे फैंस। राहुल वैद्य जिस तरीके से घर में टाइम बिता रहे थे और राहुल वैद्य जिस तरीके से सही चीजों के लिए स्टैंड लेते नजर आ रहे थे, हर किसी को उनमें बिग बॉस का विनर दिखाई दे रहा था। आपको बता दें कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने राहुल वैद्य को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि बिग बॉस के घर में जो टास्क चल रहे थे राहुल का उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जिसको देखते हुए सलमान खान ने उनसे पूछा कि क्या वो घर से बाहर जाना चाहते हैं। इस पर राहुल वैद्य ने कहा कि हाँ वो घर से बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। राहुल वैद्य के इस तरीके से इविक्शन के बाद उनके फैंस को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि राहुल वैद्य बिना ट्रॉफी के घर से बाहर आ जाएंगे। अब जब राहुल वैद्य घर से बाहर आ गए हैं तो उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। जी हां दोस्तों, बिग बॉस के घर में रहते हुए राहुल वैद्य को बिल्कुल नहीं पता था कि बाहर लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब जब राहुल वैद्य घर से बाहर आ गए हैं और उन्होंने देखा कि लोगों ने इतना प्यार इतना सपोर्ट दिया है उनको, इसके बाद राहुल वैद्य ने अपने फैंस को एक नोट लिखकर उनका शुक्रिया अदा किया है। जी हां दोस्तों, राहुल वैद्य ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है और उनके लिए एक नोट लिखा है। उन्होंने अपनी बिग बॉस की जर्नी के बारे में बताया है कि किस तरीके से उनकी यात्रा शुरू हुई और बिग बॉस के घर में बहुत कुछ उन्हें सीखने को मिला। इसके साथ ही उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी किया और इतना सारा प्यार मिलने के बाद वो बिल्कुल भी फूले नहीं समा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिग बॉस के घर में रहते हुए बाहर उन्हें इतना ज्यादा प्यार मिलेगा। अब जब राहुल वैद्य घर के बाहर है और उन्होंने देखा कि ट्विटर पर सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट किया गया, उसके बाद बिना शुक्रिया अदा कहे वो रह नहीं पाए और उन्होंने अपने फैंस के लिए लिख दिया है ये नोट।